यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। तूफान की खबर के बाद बीबीएन प्रशासन अब अलर्ट हो गया है, क्षेत्र का मौसम खराब होने लगा है। तो निजी स्कूल हैं वहां पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि मौसम अब खराब होने लगा है। नालागढ़ के दर्जनों गांवों की बिजली भी इस वजह से गुल हुई है क्योंकि मौसम खराब है और पहले से ही संभावनाएं जताई जा रही थी कि आगे भी मौसम खराब रहेगा। तो जिस तरीके से पहले ही अंदेशा था कि मौसम खराब रहेगा, नालागढ़ के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे शिमला के साथ साथ अन्य ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर बिजली फिलहाल गुल हो गई है और मौसम एक बार फिर से खराब हो गया है। और मौसम खराब होने के साथ साथ धूल भरी आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो इसी को देखते हुए जिस तरीके से मौसम ने एक बार फिर रुख बदला है, पहले से ही हालांकि अलर्ट भी जारी किया गया था, दो दिन मौसम खराब रहेगा ये भी बताया गया था, तो एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। धूल भरी आंधी शुरू हो गई है और इसी को देखते हुए बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नालागढ़ से हमारे संवाददाता जेवी सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिलहाल मौसम की क्या स्थिति है? जी नहीं, बता देना चाहता हूँ, पहले ही दो तीन दिनों से लगातार जो खबरें आ रही थी मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया था कि आने वाले दो तीन दिनों में जो मौसम है खराब होने वाला है, भारी तूफान आने की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। अभी आपको बता देना चाहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की हम बात करें तो यहाँ पे भी अभी प्रशासन ने जो अलर्ट जारी कर दिया है, हर पुलिस प्रशासन फायर ब्रिगेड की टीमें अलग अलग तरह से अलर्ट हो गई है और यहाँ पे अभी मौसम जो खराब होता नजर आ रहा है, जिसके चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और जो बिजली आपूर्ति है वो भी काफी जगह पर बंदिश खराब हो चुकी है। दर्जनों गांवों की जो बिजली है बंद हो चुकी है, गुल हो चुकी है, जिसके कारण लोगों को तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो मौसम है, मौसम में खराबी होनी शुरू हो चुकी है, भारी बादल छाए हुए हैं, हवाएं चलनी शुरू हो गई है। जैसा कि रात की बात करें तो रात भी काफी आंधी आई थी, काफी खंभे वगैरह भी खिड़ गए थे और कुछ पेड़ों को भी नुकसान यहाँ पे देखा गया था। लेकिन अभी आज का आज के समय की अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से जितने भी निजी स्कूल है सभी को बंद कर दिया गया है, छुट्टी कर दी गई है अभी सभी स्कूलों में और प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जेबी सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम एक बार फिर खराब होने लगा है, तेज आंधी भी आ रही है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। अलग अलग जगहों की हम आपको बात बता रहे हैं कहां पर मौसम की क्या कुछ स्थिति है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता कुमार रमेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार रमेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है मौसम की? देखिए, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में धूप खिली हुई है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, लेकिन अभी मतलब ऐसी कोई तूफान की कोई बात नहीं है। और जो मौसम विभाग है वो कह रहा था कि कल शाम को भी उन्होंने कहा था कि हल्की हवाएं चलेंगी और बारिश आएगी, और आज भी स्थिति यही है कि रात को थोड़ी बहुत बारिश आ सकती है। और जबकि जो तूफान की जो संभावित बताया जा रहा है उसमें थोड़ी बहुत हवाएं थोड़ी सी तेज चलेंगी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पैनिक लेने की जरूरत नहीं है और मौसम विभाग पूरी तरह सचेत है, उनको पता है कि कब अलर्ट देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ की आपने स्थिति बताई कि धूप खिली हुई है, क्या इसी तरीके का मौसम बरकरार रहेगा या फिर मौसम रुख बदल सकता है अपना? देखिए, मौसम जो भी कभी क्योंकि ज्योग्राफिकल जो सिस्टम होता है उसमें जब भी चीजें बदलती है थोड़ा समय लगता है, तो ये माना जा रहा है कि जब भी बदलेगा तो कम से कम दो तीन घंटे चार घंटे का वक्त मिलेगा और अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि तुरंत चलिए दो चार घंटे का समय मिलेगा। हरियाणा के अलग क्षेत्रों की बात की जाए, वहां पर मौसम कैसा है कुमार रमेश? हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ जगह हवाएं चल रही थी, रोहतक में रात को थोड़ा सा मौसम बदलाव आया और उसके अलावा और भी जो दूसरे इलाके हैं करनाल में भी रात को हवाएं चले, लेकिन अभी दिन के अगर मौसम की बात करें तो दिन का मौसम ठीक है, खुशगवार है। चलिए कुमार रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ दिल्ली का हाल जान लेते हैं। हमारे संवाददाता अनिल मोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, दिल्ली में मौसम की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए, कल रात आपने देखा, कल रात अगर बात करें हरियाणा वेस्ट यूपी दिल्ली की बात करें तेज तूफान देखने को मिला, वहीं अगर दिल्ली की बात करें दिल्ली में एहतियातन तौर पर स्कूल बंद किए गए और मौसम फिलहाल यहाँ पे खराब है। वहीं अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें पहाड़ी राज्यों में भी फिलहाल बूंदाबांदी हो रही है, तेज बारिश वहां पे भी हो रही है। हिमपात जो पहाड़ी का जो ऊपरी का एरिया है, जो पहाड़ी इलाके हैं शिमला से उतर जाकर वहां पे हिमपात भी हुआ है। और कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग का यही कहना है कि जो आज मौसम है आज भी तूफान की
संभावना बनी हुई है, तेज आंधी चल सकती है, जो आंधी आंधी स्पीड 7 किलोमीटर से ज्यादा की रहने की उम्मीद है। जी चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग जगहों की हम मौसम की स्थिति आपको बता रहे हैं और खबरें अभी तक आपसे अपील करता है कि घबराने की या फिर डरने की कोई बात नहीं है अगर मौसम खराब होता है, क्योंकि 2 दिन से अलर्ट भी जारी किया गया है, बच्चों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं और हिमाचल में भी एक बार फिर से मौसम बदलता नजर आ रहा है। दिल्ली NCR की बात की जाए वहां पर मौसम बदलता नजर आ रहा है, लेकिन हरियाणा के कई क्षेत्रों में अभी भी मौसम कहीं साफ बना है, कहीं धूप खिली है तो कहीं काले घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो अलर्ट और सतर्क रहने की। कहीं भी अगर आप रोड पर हैं तो अपने वाहन में रहिए, पक्के स्थानों पर रहिए, और अगर हो सके कोई काम आपको नहीं है तो अपने घरों में ही रहिए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम एकदम से बदल रहा है, करवट ले रहा है, आंधी तूफान है, बारिश है, तो उसे देखते हुए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, ना कि घबराने या फिर डरने की।